संदेश के लिए जिसके लिए आपने मुझे प्रेरित किया, आपके लोगों के साथ बांटने के लिए, और मैं इनकी ओर से हर एक को आशीषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, और आमीन। अब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जिनके लिए मैं महसूस कर रहा हूं कि वो परेशान है सांस लेने से संबंधित परेशानियों से। डॉक्टर सॉरिस, वो मैं हूं। कभी कभी मैं वैसा महसूस करता हूं, मुझे सांस लेने की कमी है। एक डॉक्टर ने कहा कि यह एलर्जी है, दूसरा कहता है कि नहीं, उसे नहीं पता कि क्या है, और मुझे परेशानी है। और सांस की परेशानी के अलावा मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो दर्द महसूस कर रहे हैं शरीर के किसी भी अंग में, सिर से लेकर नीचे पैर के तलवे तक। और लोग जो अपने भावनाओं के दर्द में हैं, वो निराशा महसूस कर रहे हैं, वो अपने हृदय में निराश महसूस करते हैं, वो कड़वाहट से भरे हैं, वो सभी जिनको इस प्रकार की परेशानी है, अपने पैर पर खड़े हो जाइए और मैं आपको आशीषित करने जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए अब मैं आपको आशीषित करता हूं। मैं चाहता हूं कि अब आप अपने सिर को झुका ले, जो घरों पर है कृपया इस प्रकार से करें, और सुनिए, सिर्फ विश्वास करें। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रभु मैं यहां आपके सामने उपस्थिति में खड़ा हूं इन लोगों को आशीषित करने के लिए। मैं महसूस कर रहा हूं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जिनको सांस लेने में परेशानी है, सिर दर्द के लिए भी पिता, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे दर्दों को उठा लिया। मैं सामर्थ्य को इस्तेमाल करने जा रहा हूं जो आपने मुझे दी है प्रभु, इन बीमारियों को नाश करने के लिए। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे मध्य में कार्यशील हो। अब छुए लोगों को जो यहां हैं और जो घरों पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमें कहां से देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक पीड़ा को डांटता हूं, सारी एलर्जी को, सारे दर्दों को और सारे कष्टों को, और मैं आज्ञा देता हूं दुष्टात्माओं, सब कुछ ले लो जो तुम्हारा कहलाता है और निकल जा। मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, निकल जा दुष्ट जो इनके सांस को कष्ट दे रहा है, निकल जा दुष्टात्मा जो इन्हें दर्द दे रहा है इनके शरीर में और इनकी भावनाओं में, इसी वक्त निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, और आमीन। मुझे देखिए अब कृपया आप सभी। हाँ डॉक्टर सॉरिस, अभी नीचे मत बैठिएगा, परमेश्वर आप में अपने कार्य पूरा कर रहा है। मेरी सांस अब वापस सामान्य हो गई है। आप में से कितने महसूस कर रहे हैं कि उनमें बदलाव हुआ है, वहाँ उनकी सांस में बदलाव आया है इसी वक्त? आपके साथ क्या हुआ बहन? मैं गई डॉक्टर के पास और... आपका माइक कहाँ है? इन्हें जरा माइक दीजिएगा। हाँ बोलिए। मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे साइनसाइटिस्ट है, और लेकिन अब मैं चंगी हो गई हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। मैंने टोमोग्राफी करवाई और उसने मुझे कहा कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है, और फिर मुझे एलर्जी भी थी, मुझे काफी समस्याएं थी। क्या वो चली गई? हाँ मैं ठीक हूँ। ओ प्रभु की महिमा हो। और कौन है यीशु के नाम में? और कौन? जल्दी कार्यकर्ता हूँ, आइए एक लेते हैं ऊपर बालकनी में। हाँ कहिए। डॉक्टर सॉरिस, मुझे गले में काफी तकलीफ थी, इसी वजह से मुझे सांस लेने में परेशानी होती थी। पिछले सप्ताह काफी तकलीफ हुई, पर अब मैं ठीक हूँ, काफी ठीक, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपका धन्यवाद। हाँ आप कहिए। मुझे एक प्रकार की एलर्जी थी। क्या आप सही महसूस कर रही हैं? मैं अब ठीक हूँ। और कौन है? हाँ कहिए बहन। मैं अपने पैर में दर्द महसूस कर रही थी, सुबह की सभा में जब आपने चंगाई की प्रार्थना की, तब से मैं ठीक महसूस कर रही हूँ प्रभु यीशु के नाम में, अब मैं ठीक हूँ। और आपका क्या मेरा मित्र? मुझे दर्द था अपनी गर्दन में और मेरे पैरों में भी, और मेरे हाथ सुन पड़े रहते थे। अब क्या हुआ? अब मैं मुक्त हो गया, बिल्कुल मुक्त। आप स्वतंत्र हैं। हाँ दोस्त बोलिए। 10 साल से ज्यादा हो गए कि मुझे सांस लेने की परेशानी थी, यहाँ तक कि जब रात को मैं देर तक सांस नहीं ले पाता था, मेरी सांस टूट जाती थी, और कभी कभी मेरी पत्नी जो यहाँ मेरे पास बैठी है, इसे मेरे कंधे उठाने और मुझे हिलाना पड़ता था ताकि मैं दोबारा सांस ले सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। ये बहुत सुंदर है। हाँ कहिए बहन। ओ, मेरे पैर में दर्द था, काफी दर्द रहता था, पर अब मैं ठीक हूँ, दर्द चला गया है। वहाँ एक और बहन है उनके पीछे। हाँ कहिए बहन। मुझे सांस लेने में परेशानी होती थी, मुझे सांस लेने में तकलीफ थी, लेकिन अब दोनों बीमारियाँ ठीक है, मैं ठीक से सांस ले सकती हूँ। आमीन। अब मेरे पास और गवाहियों के लिए समय नहीं है, लेकिन अगर आप अपने शरीर में चंगे हो गए हैं और अपने भावनाओं में, अपना हाथ उठाइए और लहराइए इसे प्रभु यीशु का धन्यवाद करने के लिए। हाँ मैं चंगा हो गया हूँ। ठीक है, आप बैठ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए देखते हैं आज का रियल लाइफ ड्रामा सेगमेंट, चलाइए इसे। जब पैट्रिक 5 साल का था, उसने शुरू किया दोनों जगह, जब वो स्कूल में होता था या वो सो रहा होता था, खून निकालना।
और मैं हमेशा उसे लेकर जाती थी, कोई भी परेशानी में उसे ले जाती थी डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा खून की जांच करवाओ और विषाणु बहुत कम थे और वो घावों से भर गया। हमने सब कुछ देखा जो हुआ था, बचपन में वो घावों से भर चुका था। शिशु चिकित्सक ने उसके साथ मजाक किया, पैट्रिक तुम्हें कुश्ती करना बंद करना होगा। और फिर उन्होंने दो दवाइयों की सलाह दी और मुझसे कहा कि उसे मैं दे दूं सप्ताह में दो बार, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसके शरीर से हमेशा खून निकलता रहता था। पैट्रिक को एक बार फिर से हेमरेज हुआ और फिर से उसकी जांच की गई। वो मृत्यु की कगार पर था। उसके पास केवल 2000 बिंबाणु प्रति क्यूबिक मीटर थे, जबकि साधारण रूप से 150,000 होने चाहिए। जब मैं यहाँ आई डॉक्टर ने कहा कि मैडम अंदर मत आइए, इन्हें भर्ती करवा दो। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत निराश हो रही हूँ, इसलिए मैंने फोन करने शुरू किए कुछ अस्पताल में, परंतु किसी ने भी उसे भर्ती करना नहीं चाहा। पैट्रिक को जल्दी से ले जाने की जरूरत थी, परंतु इसकी दादी जो फेचो कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी इसके लिए बराबर दुआ करती रही। ये नहीं होने जा रहा था क्योंकि परमेश्वर साथ थे, वो मेरे पोते के साथ हैं, वो उसकी माँ के साथ है, वो सबके साथ हैं। मैं निराश थी, डॉक्टरों को फोन करती थी भर्ती करे, लेकिन कोई भी ये नहीं करना चाहता था। और अपने कमरे में वो चला गया, उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कुछ मुझे करना चाहिए था एक माँ होने के नाते। फिर मैंने उसे बुलाया और हम गए उसके कमरे में और वो घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था। सबसे ज्यादा जो मुझे याद है वो था वो दिन जब मेरी माँ कोशिश कर रही थी डॉक्टर को ढूंढने की, और मैं अपने कमरे में गया और मैं नीचे बैठा अपने घुटनों पर और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ 5 साल का था। और परमेश्वर ने पैट्रिक की प्रार्थना का उत्तर दिया और रियो डी जेनेरियो में एक अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। वो चिंतित थे कि श्वेत कोशिकाओं में न बदल जाए, और उन्होंने कहा ये कूदे नहीं, ये अपने हाथों से तालियां न बजाए। और जब तक हमें नहीं पता था क्यों, डॉक्टर ने मुझे विस्तार से बताया, और उसके सही होने के बाद डॉक्टर ने विस्तार से बताया वो नहीं, और मैडम अगर हम कूदना और तालियां बजाना हाथों से शुरू कर दें हमारे छिद्रों में से पसीना आता है और उससे नुकसान हो सकता है। मुझे याद है जब मैं पलंग पर लेटा हुआ था मेरी माँ नर्स से बात कर रही थी और नर्स कह रही थी कि मेरे लिए अब कोई आशा नहीं बची है। डॉक्टरों ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, परंतु मैंने कहा नहीं ये ठीक होगा। मैं हमेशा टीवी पर फेस शो कार्यक्रम देखती थी, इसके सामर्थ्य ने मुझे काफी मदद दी क्योंकि उसने मेरी काफी सहायता की। मैंने प्रार्थना की पास्टर के साथ, डॉक्टर सौरस के साथ, विश्वास के कार्यक्रम में मैंने सच में परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उस दिन मुझे संदेश दिया कि वो मेरे साथ नाव में हैं। और सच में ऐसा हुआ कि उनके जीवन में एक चमत्कार हुआ और पैट्रिक ठीक हो गया। इसने फिर कोई दवाई नहीं ली, बस कुछ खून की जांचें करवाई गई और फिर वो चंगा होना शुरू हो गया था, और दवाइयां नहीं ली दोबारा कभी नहीं। और डॉक्टर ने उसे घर पर भेज दिया और कहा कि ये पूरी तरह से ठीक है, अब इसे दवाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने उसे चंगा किया है। परमेश्वर ने उत्तर दिया और आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मेरे पुत्र के जीवन के लिए, क्योंकि वो अब एकदम ठीक है, प्रभु ने उसके जीवन में चमत्कार किया है। ओ, कैसे प्रभु परमेश्वर महान है प्रियो। आइए अब चलते हैं आज के सवाल जवाब के सिलसिले में। डॉक्टर सुआरिस ये बताइए कि इन बुरे दिनों में, परेशानियों में, विपत्तियों में मैं अपने दिल को कैसे बनाए रखूं? ओ प्रिय भाई, यद्यपि वहाँ बहुत ज्यादा नहीं है परंतु बहुत कम है, पता है ना। हमें इसे रखना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि छोटी सी भूल हमें पूरी तरह भ्रष्ट कर सकती है, आप जानते हैं। इसके लिए परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से खड़े हो जाएं और वो आपके जीवन को आशीषित करेगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और आशीषित करता हूँ। पिता, मैं यहाँ आपके सामने हूँ इन जीवनों को आशीषित करने के लिए, जबकि ये अपने घरों को जाते हैं। यहाँ कोई है जो असहनीय दर्द महसूस कर रहा है प्रभु, ये निराशा पर विजयी हो प्रभु। और परमेश्वर, इनकी स्थिति बुरी हो रही है इस चिंता की वजह से, परमेश्वर आइए और इनकी सहायता कीजिए आपकी शांति महसूस करने में। अब ये एक और मनुष्य है जिनके सीधे घुटने में दर्द है और वो उसे सहन नहीं पा रहा है, चंगा करे उसे अभी पिता। मैं आपसे मांगता हूँ चंगा करे इन्हें, इनके सिर से लेकर पैर के तलवों तक चंगा करे, इनके शरीर आत्मा देह को प्रिय परमेश्वर, इनके मनों को, इनकी इच्छाओं को बदले, इनकी इच्छा प्रभु, इनके स्वप्न प्रभु, इन्हें जरूरत है प्रभु परमेश्वर की पूरी तरह से बदलने में। यीशु के नाम में मैं बांधता हूँ शैतान के हर कार्य को और मैं उसे आज्ञा देता हूँ निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम आपके पवित्र नाम की प्रशंसा करते हैं,
बहुत खूब, तो अब हम वापस स्टूडियो में हैं और ये बहुत जरूरी है कि प्रार्थना के बाद आपका अंदाज एक विजेता का हो। ऐसा व्यक्ति जो वचन में पूरा भरोसा रखे और अपने हक को जाने और कभी वो न भूले जो प्रभु ने आपके हृदय में डाला है। क्या डाला है प्रभु ने आपके हृदय में? अब्राहम के दिल में तो उन्होंने प्रतिज्ञा डाली थी, देखो तुम्हें यूं तो औलाद नहीं है पर तुम असंख्य लोगों के पिता कहलाओगे। अब्राहम ने अपनी हालत पर गौर करके कहा, पर यह मुमकिन कैसे होगा? आप ही कह देते हो यह असंभव है। ना, बाइबल हमें बताती है उसने विश्वास किया, हालांकि कोई अंदाज नहीं था कि कैसे वो होगा, प्रभु कैसा ये करेगा, परंतु उसे पता था कि परमेश्वर सामर्थी है। और अंत में वही हुआ, इस्माइल पैदा हुआ, इसहाक जन्मा तथा उसके और भी बहुत सारे बच्चे हुए। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में भी वो सब अस्तित्व में ला सकता है जो अब तक नहीं हुआ है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनका कोई सपना हो, कुछ कर दिखाने का सपना, अपनी बिजनेस खड़ा करने का एक सपना। शायद आप सोचते हो वैसे तो मैं एक पेशेवर हूँ और खुद का धंधा चलाने की भारी हसरत है, मगर कोई दरवाजा अब तक नहीं खुला है मेरे लिए। मगर बाइबल कहती है कि प्रभु अपने सेवक की समृद्धि से खुश होता है। सो आज ही से पूरा मन लगा के उसकी सेवा शुरू कर दीजिए। धर्म को एक तरफ रखिए और प्रभु के वचन को मानिए और फिर देखिएगा क्या फल आएगा। ये हमारा ईमेल एड्रेस है, कृपया हमें लिखिएगा, हम सदैव मदद को हाजिर हैं। शायद आपको थोड़ा सहारा चाहिए, हमें बहुत खुशी होगी उस वचन को बांटने में जो लाखों लोगों तक पहुंचता है और जो लोगों के जीवन बदल देता है। जीवन की रोटी, स्वर्ग का मन्ना। खैर, मैं तो यही बोलता रहूंगा मगर अब जाने का वक्त आ गया है। शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और हाँ, आपके दिन और रात आशीषित हों। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आशीष दे। हम हमेशा यहाँ पर होते हैं इसी समय इसी चैनल पर प्रभु यीशु के नाम से। तो कल फिर मिलेंगे।